युवाओं को अपनी संस्कृति, सभ्यता व नशे के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन में नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सोलन मधुसूदन शर्मा सहित महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और अध्यापकों ने हिस्सा लिया। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने संस्कृत में मंत्रोच्चारण कर यज्ञ किया, ताकि उनका पूरा शैक्षणिक सत्र सुचारू रूप से चल सके। साथ ही विद्यार्थियों और अध्यापकों सहित पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने नशे के खिलाफ इस यज्ञ में आहुति डाली और युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि अपनी संस्कृति और सभ्यता की जानकारी के लिए इस तरह के कार्यक्रम युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग आज के भौतिक दौर में गंदी आदतों में पड़ रहा है। मधुसूदन ने बताया कि इस यज्ञ में युवाओं सहित उन्होंने भी नशे को दूर भगाने के लिए आहुति डाली, जिससे देवभूमि के युवाओं को नशे के चंगुल से छुड़ाया जा सके। इसका भाव ये भी है कि हमारा जो युवा है आज जो नकारात्मक सोच लेके चलने को तैयार हो जाते हैं कुछ लोग, या नशा ड्रग्स के नशे में ग्रिफ्ट में फंस जाते हैं, उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा और भगवान हमें सद्बुद्धि दे, इस उपलक्ष्य में ये यज्ञ किया गया। सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।